A warm good morning to all of you present here on this auspicious day. And I want to welcome you all on this day when we feed the hungry, clothe the naked, forgive the guilty, welcome the unwanted, care for the ill, love your enemies, and do unto others as you would have done unto you. Let's welcome one another as Jesus has welcomed us for the glory of God. Prayer moves mountains and is putting oneself in the hands of God. Seeing is believing, but sometimes the most real thing in the world are the things we can't see. We don't pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one. If God is all you have all you need. Now, here comes a group of angels with a spiritful performance. Please welcome them. A blend of divine music and energetic footsteps. No other birth had ever brought heaven so close to earth, with music divine and light so glorious and bright, with angels singing and shepherds watching, the God's Son's birth was proclaimed. Here our choir present all-time Christmas favorite song, Across the Boundaries and Cultures. सारी दुनिया में चर्चे इस रात के, सब
Christmas Eve. Given. God so loved the world that he gave his one and only Son, and whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Today we all are here to celebrate the birth of God's begotten Son, Jesus Christ. It's time to cherish peace, mercy, and love. Let us come and adore the King of Kings, Lord of Lords, to the upcoming performance. Are यहाँ सब एकत्रित क्यों हुए हैं? ऐसा लग रहा है कोई जश्न मनाया जा रहा है। मैं किससे पूछूं कि यहाँ चल क्या रहा है? अरे भैया सुनिए। ओहो भैया तो चले गए। अरे ओ बहन सुनिए तो, क्या आप मुझे बता सकती है कि यहाँ चल क्या रहा है? ये घरों की सजावट, ये जगह जगह तारे, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? क्या आप इस गांव में नए हैं? आपको नहीं पता
ये दिसंबर का महीना है और ये सब 25 दिसंबर की तैयारी में जुटे हुए हैं। 25 दिसंबर वो क्यों? लगता है आपको कुछ नहीं पता। अरे कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। सो प्रस्तुत है अटूट प्रेम। हरियाली का बाग, चारों ओर खुशियां ही खुशियां, जिनके साथ रहते थे पशु पक्षी जीव जंतु, और ये सब प्रेम से रहते थे, और उनके साथ थे पिता आदम और माँ हवा। इस अदन के बाग में ना दुख था और ना परेशानी। पिता परमेश्वर उनसे अत्यंत प्रेम करते थे। पर एक दिन उन्होंने परमेश्वर के वचन को ठुकरा कर शैतान के कहने पर मनाही का फल खाया, जिसके फल स्वरूप उन्हें इस अदन के बाग से निकाल दिया गया। जीवन के इस दौर में पापों की गिरावट में दया मांगती हूँ, हे प्रभु मुझ पर रहम कर, हे प्रभु मुझ पर रहम कर। जब इंसान परमेश्वर के प्रेम से दूर चला गया, वे पापों में फंसता गया और इसी पाप की आड़ में वह अनैतिक जीवन गुजारने लगा। तब कुछ नेक लोगों ने परमेश्वर से दया की दुहाई की। परमेश्वर ने अपने लोगों की ओर देखा और उसका मन भर आया। तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजने का वायदा किया। परमेश्वर ने मरियम नाम की एक कुवारी को चुना, जिसकी मंगनी यूसुफ से हुई थी। देखो, तब दूत मरियम के पास पहुंचा और बोला, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण तू, परमेश्वर तेरे साथ है। ये सुन मरियम डर गई और सोचने लगी, ये कैसा प्रणाम है? तब दूत ने कहा, मरियम ना डर, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, जो अति महान होगा और परमपिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र कहलाएगा। मरियम ये सुन बोली, जैसा आपने कहा वैसा ही हो। नाच खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज
यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, हो हो यीशु पैदा हुआ, हो हो यीशु पैदा हुआ। इसके बाद यूसुफ, जो एक नेक पसंद आदमी था, वह मरियम को बेइज्जत नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे चुपचाप छोड़ने के बारे में सोचा। लेकिन तभी दूत यूसुफ के स्वप्न में पहुंचा और बोला, यूसुफ दाऊद के पुत्र, डरो नहीं, क्योंकि जो भी उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। वो एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम तुम यीशु रखना। यूसुफ ये सुन मरियम को अपने घर ले आया। बैतलहम न सलाम, ला ला ला, लख लख वार सलाम। बैतलहम न सलाम, ला ला ला, लख लख वार सलाम। जिस बाद यूसुफ और मरियम जनगणना के लिए बैतलहम नगरी में गए और देखो वही मरियम के प्रसव का समय आ गया। तब यूसुफ ने मरियम से कहा, मरियम घबराओ नहीं, मैं कोई स्थान ढूंढ के आता हूं, पर देखो उन्हें कोई उपयुक्त स्थान ना मिला और देखो उसी खुरली में चरने में प्रभु यीशु दुनिया के मुक्तिदाता ने जन्म लिया। राजा का जन्म हुआ, पाए खबर, शांति मनाया हमें भूखे। राजा पाकर रात को भेड़ों की रखवाली करने वाले गडरिये प्रभु यीशु के दर्शन करने के लिए नाचते गाते हुए गए, और तारों का ज्ञान रखने वाले तीन मजूसी ये संदेश पाकर कि राजाओं के राजा का जन्म हुआ है, प्रभु के दर्शन करने के लिए आए, और देखो आकाश, धरती, स्वर्ग दूत सब खुशी से झूम उठे, और यही है क्रिसमस। फौजी यीशु दे मरने तो डर देना, असी हाँ फौजी यीशु दे मरने तो डर देना, मौत तो डर देना, मरने तो डर देना।
फुले पटके बिरदे सच दे रस्ते पाई दे दुखां दे विच जकड़े लखा लोक बचाई दे जो फुले पटके फिरदे सच दे रस्ते पाई दे किसे ते पई मुसीबत नू किसे ते पई मुसीबत नू असी कदी भी डर दे ना असी हां फौजी यसु दे मरने तो डर दे ना असी हां फौजी यसु दे मरने तो डर दे ना मौत तो डर दे ना मरने तो डर दे ना पीस ऑन अर्थ विल कम टू स्टे व्हेन वी लिव क्रिसमस एवरी डे हे सेंटा You know, Santa, you are lucky every Christmas. But why? I am the one giving gift, not receiving. Because we are celebrating Jesus' birthday on Christmas. But people are looking for you, not for him. Oh, really? Santa Claus and the angels are the ones who love another and seek to make them happy. It is Christmas in the heart that puts Christmas in the air. So, put your hands together to welcome our little Santas and angels to discover